हिमाचल परिवहन निगम के चालक परिचालक तकनीकी कर्मी व परिवहन मजदूर संघ की रामपुर में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में परिवहन निगम के कर्मचारियों के साथ लगातार हो रही मारपीट पर रोष जताया गया। बैठक में बताया गया कि परिवहन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मेडीपर्सन एक्ट की तरह उनकी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जाए, ताकि वे प्रदेश की दूर दराज तक निर्भकता से लोगों को परिवहन सुविधाएं दे सके। उन्होंने बताया कि आए दिन विभिन्न रूटों पर चालक परिचालकों के साथ झगड़ा व मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। इसका एक प्रमुख कारण निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी है। निजी बस ऑपरेटर सरकारी पहुंच के चलते मनमाने टाइम से लाभ वाले रूटों का परमिट हासिल करते हैं, जिससे परिवहन निगम की बसें खाली दौड़ने पर मजबूर हैं। इसके अलावा मैक्स कैब व दूसरे वाहनों की सवारियों को परिवहन निगम की बसों के आगे लगाकर उठाया जाता है। इससे परिवहन निगम लगातार घाटे में जा रहा है। चालक परिचालक यूनियन रामपुर के अध्यक्ष दिलीप ने बताया कि वे जब बस लेकर विभिन्न रूटों पर जाते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता है कि वे सुरक्षित लौटेंगे या नहीं, क्योंकि आज प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि कहीं चालक और परिचालक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी और दूसरा कोई टाइम टेबल ना होना। अगर उन्हें ऐसा ना करने की कोशिश निगम कर्मचारी करते हैं तो परिवहन निगम के कर्मचारियों से मारपीट की जाती है। यूनियन रामपुर इकाई, आज हमारी सभी ड्राइवर भाई व परिचालक और मैकेनिकल स्टाफ, हम समस्त कर्मचारी एक होकर जो हमारे प्रदेश के हर डिपुओं में चालक परिचालकों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किया जा रहा है, उसके विषय में सरकार तक कुछ हम अपनी समस्या को उजागर करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी, आज प्रदेश में रात दिन हम अपने घर से दो दो चार चार किलोमीटर दूर, चार चार सौ किलोमीटर दूर रहकर देश की और प्रदेश की जनता की सेवा करते हैं। उसके उपरांत भी हम ड्राइवर कनेक्टर जो है सुरक्षित नहीं है। वहीं हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रदेश सचिव रविंदर सिंह ने बताया कि परिवहन कर्मियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिचालक चालक और अन्य कर्मियों के साथ मारपीट की घटनाओं पर रोष व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि आजकल आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस तरह की घटना से अब सबसे बड़ा कारण निजी बस ऑपरेटर की मनमानी सामने आ रहा है। वे अपने इच्छा मुताबिक बस रूट लेते हैं और ऐसे समय में बस का रूट पर चलते हैं जहां सवारियां अधिक होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर परिवहन निगम के कर्मचारी विरोध करते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, इसलिए वे चाहते हैं कि परिवहन निगम के चालक और परिचालकों की सुरक्षा के लिए मेडीपर्सन एक्ट के तहत कानून बनाया जाए। नमस्कार, रविंदर सिंह, प्रदेश सचिव हिमाचल परिवहन मजदूर संघ। आज हमारी एक संयुक्त बैठक हुई रामपुर डिपो में सभी परिवहन कर्मचारियों की, इसमें सभी वर्ग के कर्मचारी मौजूद रहे। मैकेनिक, ड्राइवर, कंडक्टर, ऑफिस वाले जितने भी लोग हैं सब मौजूद रहे। तो ये जो बैठक हुई इसमें जो आए दिन मतलब हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के साथ मारपीट हो रही है, जगह जगह मारपीट की जा रही है, इसके बारे में हमने ये बैठक की। अभी ताज़ा घटना एक सोलन की है, सोलन में हमारे ड्राइवर कंडक्टर के साथ मारपीट हुई निजी बस ऑपरेटरों द्वारा की गई। एक कल की घटना बिलासपुर की है, वहाँ हमारा जो बुकिंग क्लर्क था टिकट काट रहा था बेचारा, उसके साथ निजी बस ऑपरेटर द्वारा मारपीट कर दी गई। अभी दो तीन दिन पहले हमारे रामपुर क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, अनिश्चित तत्वों द्वारा हमारे ड्राइवर के और कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। तो हमारे ड्राइवर को बस की सीट से खींचने की कोशिश की गई, चढ़ाई में खड़ी बस के ड्राइवर को, अगर बाय द वे मतलब हमारा ड्राइवर होशियारी ना दिखाता, हैंड ब्रेक लगाकर बस को ना रोकता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो चलो, तो भगवान की दया रही कि बचाव हो गया। तो इसके पीछे मेरे को एक मेन कारण ये भी लग रहा है कि जो सरकार की मतलब ट्रांसपोर्ट को दबाने की या ट्रांसपोर्ट को मतलब कमज़ोर करने की एक जो नीति चल रही है,
वो भी एक कारण है इसके पीछे, क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं निजी बस ऑपरेटर, वो क्या कर रहे हैं कि हमारे जो बढ़िया इनकम वाले रूट है उनके आगे पीछे टाइम टेबल ले ले रहे हैं। फिर हम आए दिन हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के साथ उलझते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, तो ये मतलब बहुत ही दुखद घटना है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा क्या टैक्सियाँ ट्रैवलर, हाँ ये टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह चल रही है, ये भी बहुत चुना लगा रहे हैं, हमारी बसों के आगे आगे निकल जाते हैं भर के। जब हमारी बसों का टाइम टेबल होता है उसके ठीक 2 मिनट या 3 मिनट पहले मतलब भर के चले जाएंगे, और हमारी बसें पीछे खाली जा रही है, डीजल तक के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। सरकार मतलब ये एक किस्म की बंदरवांटी है, ये जो हर कहीं मतलब टाइम टेबल ऐसे दे दिए जा रहे हैं बिना कुछ या बिना कोई मंथन किए दे दिए जा रहे हैं, अपनी बसों को घाटे में डाला जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये गलत बात है। तो इसके कारण क्या है कि हमें समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, दूसरे जो मेंटेनेंस वगैरह के काम है वो भी पिछड़ रहे हैं। तो हमारी मांग रहेगी सरकार से कि इन चीज़ों के ऊपर आप अंकुश लगाएं और परिवहन करें।